Hi everybody, welcome back to my channel. This is Shalu Verma, co-founder of Graba PhD. I have completed my master's in chemistry from IIT Delhi and currently I am pursuing my PhD from University of Canterbury, New Zealand. So, जैसे कि हम इस PhD abroad series में step 1 and step 2 में जान चुके हैं कि क्या हम PhD करना चाहते हैं और क्या हम PhD कर सकते हैं. So, इस step 3 में हम ये जानेंगे कि हमें कितने साल की PhD करनी है, 3 years की या 5 years की, right? So let's dive in. Okay, so start करते हैं 5 years PhD से. उसके अंदर जो major difference होता है इन दोनों PhD में, इस वाली PhD में, 5 years वाली में course work होता है. इसमें आपको starting में वो subjects पढ़ाए जाते हैं जो आपकी PhD से related होते हैं and general PhD में useful होते हैं, जैसे कि academic writing and English, right? और इसके अंदर आपको TA-ship भी करनी होती है, टीचिंग असिस्टेंट भी. ओके, बट 3 years वाली में ये होता है कि उसके अंदर ना ही TA कंपलसरी होता है यूजुअली एंड कोर्सेज नहीं होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर ऑनेस्टली, बट नहीं होता है यूजुअली. ओके, सो ये मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है, दैट्स वाई वो PhD थोड़ी लॉन्ग होती है. 3 years वाली में ये एडवांटेज होता है कि आप डायरेक्टली अपना रिसर्च का काम स्टार्ट कर देते हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट है. 5 years वाली में किसी के लिए ये एडवांटेज हो सकता है कि यू गेट टाइम टू थिंक, लाइक आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना है, कौन से प्रोफेसर के साथ काम करना है. बिकॉज आई हैव हर्ड US में लैब रोटेशन नाम की चीज़ होती है, जिसके अंदर आप 3-4 प्रोफेसर्स के साथ काम करके देखते हैं एंड उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किसके साथ काम करना है. ओके, अब ये जानते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ है जो स्पेसिफिकली ऐसे कोर्सेज कराती है. सो US, इंडिया एंड कैनेडा, ये 5 years PhD कराते हैं, ठीक है. एंड UK, जर्मनी एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और भी कंट्रीज़ हैं, बट मैं उन कंट्रीज़ का नाम ले रही हूँ जिनका मुझे पता है, जो मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे सीनियर्स जिन कंट्री में गए हैं. सो इनमें 3 years PhD होती है. अब नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, कहते हैं कि PhD 3 और 5 years में कंप्लीट होती है, बट 3 years PhD वालों को 4 years लग जाते हैं, बिकॉज डिफेंस, थीसिस राइटिंग, इस पर थोड़ा टाइम लग जाता है. सो 3.5 to 4 years लग जाते हैं. 5 years वाले लोगों को 5 to 6 years लगते हैं, बिकॉज थीसिस राइटिंग एंड डिफेंस एंड थिंग्स लाइक दैट. सो 4 और 6 बोल सकते हैं हम. ओके, सो ये हमने जाना डिफरेंस इन दोनों PhDs में. अब हमें ये जानना है कि हम कौन सी करना चाहते हैं, हमारे लिए कौन सा बेस्ट फिट है. Now I will tell you my experience कि how did I decide कि कौन सी PhD करनी है. It might help you आपके decision लेने में, ठीक है. So basically मेरा ये था कि पहले मुझे इंडिया से ही करनी थी, but then I got to know कि बाहर 3 to 4 years में PhD हो सकती है. Then I was quite curious कि ऐसा कैसे, like how can I save my time 2 years, right? तो काफ़ी रिसर्च एंड ऑल करने के बाद ये समझ आया कि वहाँ पे कोर्सेज नहीं कराते हैं जो भी, जहाँ पर भी 3 to 4 years की होती है, एंड यहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं, TA-ship होती है. देन मैंने सोचा कि मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, बिकॉज 5 years वाली जो PhD होती है ना, वो काफ़ी एक्सटेंसिव होती है, इसमें आपको काफ़ी सीखने को मिलता है, बिकॉज 5 to 6 years उसी रिसर्च टॉपिक के अंदर. बट 3-4 years वाली थोड़ी छोटी मानी जाती है. अगर प्रोफेसर्स एंड ऑल से आप बात करोगे तो मोस्टली 5 to 6 years करने को बोलते हैं, बिकॉज उसमें आप काफ़ी सीखते हो. ओके, बट मैंने अपने पॉइंट्स लिखे. मैं हमेशा डायरी लिखती हूँ, मैं हमेशा डायरी में लिखती हूँ जब भी मुझे कन्फ्यूजन होती है कि प्रोज एंड कॉन्स उन चीज़ों के. तो मैंने ये सोचा कि जो Level 7 कोर्सेज होते हैं, मतलब जो PhD में कोर्सेज कराए जाते हैं, वो मैंने IIT में भी लिए थे एंड मैंने IIT में वो कोर्सेज किए. एंड जो मैं हूँ, मेरे को मेजरली रिसर्च ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी. मुझे केमिस्ट्री सिर्फ पसंद है, पर रिसर्च से मुझे प्यार है, तो मुझे रिसर्च ज़्यादा पसंद है. मैं कोर्सेज करूँगी तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कोर्सेज देन एग्ज़ाम देने में. एंड मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ती हूँ तो मुझे उसकी यूट्यूब वीडियोस देखना या उसकी उस टॉपिक से रिलेटेड बुक पढ़ने में ज़्यादा बेटर लगता है, इंस्टेड कि मैं पूरा चीज़ ही वो पढ़ने बैठ जाऊँ, मतलब जो कुछ टॉपिक्स उससे रिलेट भी नहीं करते. सो दैट्स हाउ आई प्लान्ड कि ओके, मेरे लिए शायद यही बेटर रहेगी. एंड मैंने इंटर्नशिप भी करी है तो मुझे पता है कि मेरी क्या चीज़ स्ट्रांग है, मतलब थोड़ा तो पता ही है कि क्या चीज़ स्ट्रांग है और क्या चीज़ वीक है, उस पर मुझे काम करना है. सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड. एंड मुझे अपना टॉपिक भी समझ आ गया था इंटर्नशिप की वजह से एंड मेरे प्रोजेक्ट की वजह से, कि मुझे एनालिसिस करना पसंद है, एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे उसी में अप्लाई करना है PhD के लिए भी, ठीक है. तो That's how I decided
कि मुझे 3 to 4 years की PhD करनी है, मेरे को अपना टाइम भी सेव करने का मन है, और TA-शिप मतलब आई नो थोड़ी इम्पॉर्टेंट होती है PhD में, बट वो आप एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो. मुझे यहाँ कैसा पता लगा, मतलब मैं कर रही हूँ 3 to 4 years की, बट मैं कर सकती हूँ TA-शिप भी. एंड मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, 3 to 4 years में भी आप TA-शिप आई थिंक थोड़ी बहुत कर सकते हो. दो एक्सटेंसिव के लिए आप 5 to 6 years वाली में ही होती है. ओके, सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड, एंड दैट वॉज द मेजर डिफरेंस 3 to 5 years PhD में. आई होप इट रियली हेल्प्ड यू. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू, बाय, हैव अ रियली गुड डे एंड गुड नाइट इफ इट्स नाइट देयर.